मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का 5वां दीक्षांत समारोह विश्वविद्यालय के बहुउद्देशीय हॉल में भव्यता के साथ संपन्न हुआ। विद्वत यात्रा के साथ प्रारंभ हुआ समारोह समापन तक अपनी भव्यता बिखेरता रहा। समारोह के दौरान कुलपति प्रोफेसर जय प्रकाश पांडे ने राज्यपाल व कुलाधिपति से दीक्षांत शुभारम्भ कराने का आग्रह किया, जिसके बाद राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने सहजता के साथ अनुमति दे दी। आपको बता दें 11:20 पर शुरू हुए दीक्षांत समारोह में कार्यक्रम के दौरान विश्वविद्यालय के सभी ब्रांच के मेधावियों को कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल ने दीक्षोपदेश दिया। इसके बाद बीटेक में ओवरऑल टॉपर अनुप पांडे को मेडल एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। दीक्षांत समारोह के दौरान कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल ने 16 छात्रों को गोल्ड मेडल और 1191 छात्रों को उपाधि प्रदान की। इसके साथ ही उन्होंने सभी मेधावियों को शपथ भी दिलाई। इस दौरान सभी विद्यार्थियों के चेहरे खिल उठे। दीक्षांत समारोह में राज्यपाल के साथ मुख्य अतिथि के रूप में प्रख्यात जल पुरुष राजेंद्र सिंह, विशिष्ट अतिथि के रूप में प्राविधिक शिक्षा मंत्री संदीप कुमार सिंह भी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मेधावी छात्र छात्राओं ने कहा, पंचम दीक्षांत समारोह के आयोजन पर पधारकर मुझे विश्वास है कि आपकी कृपा राज्य सरकार द्वारा गुणवत्ता बनाए रखने के दृष्टिगत अतिरिक्त पदों का सृजन किया गया। वर्तमान में विश्वविद्यालय के पास 177 शैक्षणिक पद सृजित होने के बाद हो गए हैं। रिक्त पदों के भरे जाने की कार्रवाई की जा रही है। शिक्षकों की बढ़ी हुई संख्या जहां एक ओर नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन AICTE तथा NIRF आदि के मानकों में विश्वविद्यालय खरा उतरेगा, वहीं दूसरी ओर विश्वविद्यालय के शैक्षणिक और शोध गतिविधियों के उन्नयन में सहायक होंगे। विश्वविद्यालय के शैक्षिक गतिविधियों में निरंतर वृद्धि हो रही है। प्रयोगशालाओं में पूर्व में उपलब्ध पुराने निष्प्रयोग उपकरणों को हटा के नए टेक्नोलॉजी के उपकरण लगाए जाने की प्रक्रिया चल रही है। पुस्तकालय के वातानुकूलित वाचनालय एवं ई लाइब्रेरी अनुभाग सुसज्जित करने के फलस्वरूप शिक्षार्थियों को कक्षाओं एवं प्रयोगशालाओं में अनुकूल शैक्षणिक वातावरण में गुणात्मक सुधार हुआ है। विश्वविद्यालय में डिजाइन इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन सेंटर जो 300 वर्ग मीटर में आच्छादित है की स्थापना की गई है। इसमें 12 इंक्यूबेटर्स को समृद्ध करने का प्रावधान है। तकनीकी शिक्षा के विभिन्न आयामों को सुदृढ़ करने एवं विश्वविद्यालय के समस्त शिक्षकों कर्मचारियों एवं छात्र छात्राओं के सतत सहयोग हेतु सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन की स्थापना की गई, जिसके माध्यम से देश के विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थानों के माध्यम से सभी छात्रों को फर्स्ट ईयर से लेकर फाइनल ईयर तक सभी छात्रों को टेक्नोलॉजिकल ओरिएंटेड कोर्स पूरा कराने के बाद सर्टिफिकेट उपलब्ध कराए गए हैं। इनकी संख्या लगभग 800 छात्र हमारे पिछले सेमेस्टर में इसका लाभ ले रहे हैं। विश्वविद्यालय को ग्रीन कैंपस के रूप में विकसित करने हेतु विश्वविद्यालय प्रयास कर रहा है और इसके दिशा में 500 किलोवाट के अतिरिक्त रूफटॉप सौर ऊर्जा संयंत्र का प्रावधान किया गया है। विश्वविद्यालय ने एनर्जी ऑडिट, एनवायरमेंटल ऑडिट में भी काम किया है और विश्वविद्यालय को ये दोनों ऑडिट कराने के बाद संबंधित संस्था द्वारा सर्टिफिकेट उपलब्ध कराएगा। तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम TQ3 एवं राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान उत्सव के अंतर्गत प्राप्त सहायता धनराशि को शैक्षिक क्रियाओं को मजबूत करने, सेवाओं के विस्तार और अन्य शैक्षणिक योजनाओं के क्रियान्वयन में समुचित उपयोग किया गया है। वर्तमान में परिषद स्थित नेटवर्क को बदलकर नवीनतम उन्नत तरीके से स्टेट ऑफ आर्ट बने नेटवर्क सर्वर सिक्योरिटी सिस्टम और स्टोरेज सिस्टम, वाईफाई की सुविधा विश्वविद्यालय के समस्त शिक्षकों, अधिकारियों, कर्मचारियों एवं छात्र छात्राओं को प्राप्त हो रही है। विश्वविद्यालय में ई जर्नल्स, ई बुक्स और मुद्रित पुस्तकों की संख्या में वृद्धि की गई है तथा नवनिर्मित वातानुकूलित वाचनालय एवं पुस्तकालय ई लाइब्रेरी अनुभाग विकसित किए गए हैं। साथ ही पुस्तकालयों में पाठों के अध्ययन हेतु ज्यादा अधिक तक खोलकर अध्ययनरत छात्र छात्राओं को अतिरिक्त सुविधा प्रदान की जा रही है। बुनियादी ढांचागत सुविधाओं को बढ़ाने के लिए राज्य सरकार द्वारा तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत
विश्वविद्यालय को प्रथम फेज में 1500 लाख और द्वितीय फेज में 1000 लाख का अनुदान पंडित दीनदयाल उपाध्याय गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत प्राप्त हुई है। इस धनराशि का उपयोग विश्वविद्यालय के शैक्षणिक उत्कृष्टता के सुदृढ़ीकरण हेतु विश्व स्तरीय ढांचागत सुविधाओं के विकास के लिए हो रहा है। इस प्रकार प्रबोधन करते हैं, सत्य बोलो, धर्म का आचरण करो, स्वाध्याय से प्रमाद मत करो, माता को देवता मानो, पिता को देवता मानो, आचार्य को देवता मानो, अतिथि को देवता मानो, जो हमारे अच्छे आचरण है वे भी तुम्हारे द्वारा ग्रहणीय है, अन्य नहीं। यही आदेश है, यही उपदेश है, यही अनुशासन है, तुम्हारा पर मंगल है। तो एक ईमानदार कर्तव्यनिष्ठ इंजीनियर, वैज्ञानिक तथा प्रबंधक के रूप में अपने कर्तव्य का निर्वाह करना मेरा प्रयास होगा। मैं इस सत्यनिष्ठा को सदा परिपुष्टि करूंगा एवं अपने विज्ञान तथा विश्वविद्यालय की ख्याति वर्धन में उपयोग करूंगा। धन्यवाद। प्राप्त करने वालों को प्रस्तुत किया गया है कि इन्हें उपाधि प्रदान की जाए, ऐसी उपाधि प्राप्त करते प्रदान करते आपसे अपेक्षा है कि आप मन वचन एवं कर्म से जीवन पर्यंत अपने को इस उपाधि के अनुरूप सिद्ध करते रहे। धन्यवाद महोदय। स्वीकृत देने के उपरांत माननीय कुलाधिपति महोदय से अनुरोध है कि कृपया अधिष्ठाता परास्नातक एवं शोध एवं विकास द्वारा प्रस्तुत किए जा रहे छात्र छात्राओं को प्रमाण पत्र वितरित करने की कृपा करें। पीएचडी उपाधि के प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाले को प्रस्तुत किया गया। धन्यवाद। प्रकाश कुमार सिंह, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। नरेंद्र यादव, इलेक्ट्रॉनिक्स। अनुपमा यादव, मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। रजनीश कुमार सिंह, मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। मोहम्मद जावेद रियाज खान, मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। फिजिक्स एंड मटीरियल साइंस डिपार्टमेंट। प्रौद्योगिकी में परास्नातक उपाधि प्राप्त करने वालों को प्रस्तुत किया गया। आदरणीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय गोरखपुर की कुलपति अपने पद की निहित शक्तियों से आपको इस विश्वविद्यालय की प्रौद्योगिकी में परास्नातक उपाधि प्राप्त करती प्रदान करती है। आपसे अपेक्षा है कि आप मन वचन एवं कर्म से जीवन पर्यंत अपने को इस उपाधि के अनुरूप सिद्ध करते रहे। प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय गोरखपुर की अपने पद की निहित शक्तियों से आपको इस विश्वविद्यालय की भौतिक विज्ञान में परास्नातक उपाधि प्रदान करते हैं। आपसे अपेक्षा है कि आप मन वचन एवं कर्म से जीवन पर्यंत अपने को इस उपाधि के अनुरूप सिद्ध करते रहे। धनशासन में परास्नातक उपाधि प्राप्त करने वालों को प्रस्तुत किया जाए। सत्र अनुप्रयोग में परास्नातक एमसीए उपाधि प्राप्त करने वाले यहाँ उपस्थित एवं जो किसी कारणवश अनुपस्थित हैं, इनकी परीक्षाएं ले ली गई हैं तथा ये इसके योग्य प्रमाणित हो चुके हैं। आपसे अनुरोध है कि इन्हें उक्त उपाधि प्रदान की जाए। मैं मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय गोरखपुर की कुलाधिपति अपने पद के नियत शक्तियों से आर्यन अपने को इस उपाधि के अनुरूप सिद्ध करते रहे।
धन्यवाद महोदय। संगणक अनुप्रेत में परम स्वर्ण पदक, श्री जगन्नाथ जी स्वर्ण पदक, ओवरऑल टॉपर सीएल नेट आईटी विभाग। कुलपत स्वर्ण पदक, विद्युत कण एवं संचार अभियंत्रण विभाग, शिवांगी मणि प्रथम रैंक, यांत्रिक अभियंत्रण विभाग, अभिषेक पाल प्रथम रैंक, कुलपत स्वर्ण पदक, स्वर्गीय श्री इंद्राथन लाल श्रीवास्तव मेमोरियल गोल्ड मेडल, ओवरऑल टॉपर ऑफ एमटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। एमएससी मास्टर इन साइंस आदर्श चंद्र मिश्रा प्रथम रैंक, मास्टर इन बिजनेस मैनेजमेंट रिया श्रीवास्तव प्रथम रैंक, कुलपत स्वर्ण पदक, स्वर्गीय श्री शिवनाथ सिंह भूषण, अमर प्रकाश चौबे प्रथम रैंक, कुलपत स्वर्ण पदक, स्वर्गीय बाबूलाल गोयल मेमोरियल गोल्ड मेडल टॉपर ऑफ एमसीए। प्रौद्योगिकी में स्नातक उपाधि बीटेक प्राप्त करने वाले यहाँ उपस्थित एवं जो किसी कारणवश अनुपस्थित हैं परंतु उनके नाम उपाधि पंजीकरण, आपसे अनुरोध है कि इन्हें उप उपाधि प्रदान करने की जाए। मैं मदन या मन वचन जीवन बढ़िया अपने को इस उपाधि प्रगति सक्सेना प्रथम रैंक इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, स्वर्गीय श्रीमती लीलावती देवी मेमोरियल गोल्ड मेडल, ओवरऑल गर्ल टॉपर ऑफ बीटेक। प्रौद्योगिकी में स्नातक विनीता सिंह प्रथम रैंक, स्वर्गीय श्री कालीचरण कंडोई मेमोरियल गोल्ड मेडल। धन्यवाद महोदय। अभिषेक पाल, मैंने अपना जो स्कूलिंग है मेरी केंद्रीय विद्यालय आईआईटी कानपुर से करी हुई है। मुझे आज एमटेक गोल्ड मेडल मैकेनिकल इंजीनियरिंग मिला है और लेट इंद्राथन लाल गोल्ड मेडल वो भी मिला हुआ है। आज मुझे बहुत ही खुशी महसूस हो रही है और निश्चित तौर पे मैं इस अपनी सफलता का श्रेय ईश्वर और अपनी माता जी को देना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे प्रेरणा दी इतना आगे बढ़ने के लिए और उत्तरोत्तर प्रगति के लिए ये प्लेटफॉर्म प्रदान किया। साथ ही साथ मैं इस विद्यालय का धन्यवाद देना चाहता हूँ जहाँ मुझे पढ़ने का अवसर मिला, साथ ही साथ बहुत कुछ नया सीखने को मिला और मुझे आज ये सम्मान प्राप्त हुआ है। तुहिना पांडे, मुझे एमटेक में गोल्ड मेडल मिला है। आई एम वेरी फीलिंग है वेरी हैप्पी एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू माय पेरेंट्स एंड माय प्रोफेसर्स एंड आई एम रियली वेरी वेरी हैप्पी। यहाँ आज इस सम्मान को पाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी है आपको? बहुत ही मेहनत करनी पड़ी है और हमने काफ़ी अलग आईआईटीज़ वगैरह में भी गए हैं ताकि हमारी थीसिस और अच्छी हो और आई एम वेरी ग्रेटफुल टू माई गाइड ऑल्सो, ही हेल्प मी अ लॉट, थैंक यू सो मच। रिया श्रीवास्तव जी, मुझे एमबीए में 2 गोल्ड मेडल्स मिले हैं और मैं इसका श्रेय अपने मम्मी पापा और अपनी इच्छा शक्ति और भगवान को देना चाहूँगी। कैसा लग रहा है ये सम्मान पाने के बाद? ऑब्वियस ही बात है कि बहुत अच्छा लग रहा है बिकॉज इससे हमारे विल पावर, हमारी इच्छा शक्ति और आगे जो भी हमें फ्यूचर में करना है उसके लिए प्रेरणा मिलती है। आपका सपना?
जी मैं एक IAS ऑफिसर बनना चाहती हूँ और जानवरों के लिए एक शेल्टर खोलना चाहती हूँ।